जी तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ आलू के खेत में। तो बताते हैं स्पेन में आलू किस तरह लगाते हैं। सबसे पहले नीचे आपको मिट्टी की विज़िट कराता हूँ। ये मिट्टी बहुत ही जो है ज़रखेज़ मिट्टी है, ब्रीक मिट्टी है, लेकिन जिसको कहते हैं ना वो रेतली नहीं है, अच्छी है, ज़रखेज़ मिट्टी है। तो उसी तरह ये खेलें आप देख रहे हैं, खेलें बनाई हुई हैं, खेलों के ऊपर ही लगाते हैं ये जो है ना अपना बीज को। तो काफ़ी घना होता है और खेलें काफ़ी बड़ी हैं। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो कंडीशन है, इंशाल्लाह जल्दी इसमें वो लग जाएंगे। तो इसको पानी देने का तरीका वही है जिस तरह ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने अपना जो है ना खुद नेचुरल तरीके से नहीं, एक मसनू तरीके से जिस तरह ये पानी देते हैं। तो नीचे ये लाइन लगी हुई है, ये साथ में ये आप देख, ये फिरकी है, इस तरह ये फिरेगी, पानी नीचे रहेगा तो ये साइडों तक पहुँचाएगा। पानी आगे लगा हुआ है, नीचे पाइप भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो आगे तक यही जा रहा है इसी तरह, ठीक है। तो ये है जी आलू का खेत, पैदावार काफ़ी होती है। आलू की जो प्राइस है इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वक्त महंगाई अरूज पर हर तरफ ही तकरीबन जो है ना वो महंगाई है। प्याज और आलू की कीमत इस वक्त बहुत ज़्यादा है, पहले नहीं इतनी ज़्यादा थी। तो हो सकता है जब ये नहीं आए प्याज भी और आलू भी तो कीमतें कम होंगी, जरूर यकीनन कम होंगी, लाजमी कम होंगी, क्योंकि पीछे कोरोना की वजह से और जो जंग थी उसकी वजह से काफ़ी जो है ना हालात यूरोप में भी कशीदा हो गए हैं। आगे जो खेत हैं आप देख रहे हैं गंदम है, उसने कलर पकड़ा हुआ है, अभी कटाई नहीं हुई। तो पिछली दफ़ा मैं इधर ही आया था जब हार्वेस्टर पर मैंने वीडियो बनाई थी। माशाल्लाह सरसब्ज लहराता हुआ खेत स्पेन में आलू और बाकी फसलें किस तरह लगाते हैं उनकी विज़िट करा रहा हूँ आप लोगों को। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, इस तरह ये खेलें बनाई हैं उन्होंने, जैसे अच्छी है मिट्टी, अच्छी है। आज काफ़ी है गर्मी है, लेकिन फिर भी यूरोप में उस तरह की गर्मी नहीं है। लोग कमीज़ें उतार के वॉक कर रहे हैं मर्द हज़रात, और बाकी भी सारे इसी तरह इधर यूरोप में होता है। तो वापसी का लेते हैं हम भी अपना सफ़र और दिखाते हैं कुछ और भी, जो भी रास्ते में आएगी कोई फसल बूटा को नया तो वो दिखाएंगा, दिखाएंगे आपको आलू, मटर, गंदम, मक्की, जौ जो की फसल, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। इस तरफ सूरज है तो इस तरफ सारी गंदम है, एक पीछे मेरे देख सकते हैं इस तरफ सारी गंदम है। तो इस तरफ मुख्तलिफ अकताम की जो है ना सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं लोगों ने। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपके साथ कुछ और भी।